हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान जो है पिक्सल प्लस यूआई को इंस्टॉल करने वाले हैं रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। एंड ये जो मेथड है, इस मेथड के साथ आप जो है कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर जो है वोल्टेज ओएस को इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर वोल्टेज ओएस का जो फुल रिव्यू का जो वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। सिंपली Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे, पिक्सल प्लस यूआई का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके पिक्सल प्लस यूआई को Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए जो है डाउनलोड कर सकते हो। एंड पर वोल्टेज यूआई के साथ जो है एमआईयूआई कैमरा एप्लीकेशन को एड किया गया है। एनीवे, यहाँ पर कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के दौरान जो है इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो सकते हैं। इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा एंड आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और TWRP रिकवरी के साथ जो है इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद आपका जो डिवाइस से कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं TWRP रिकवरी को। यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ भी सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी बूट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है बैकअप में जाना होगा। बैकअप में जाने के बाद जो है पर करंट रोम का बैकअप क्रिएट करना होगा। सिंपली बैकअप में जाके सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करके बैकअप क्रिएट कर सकते हो। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे। मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रोम। बैकअप क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली बैक जाके वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डेल्विक डेटा कैशे ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो वाइप हो गया है। वाइप होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो बैक करना होगा। बैक आने के बाद आपको सिंपली जो पिक्सल प्लस यूआई है इसे आपको आपके डिवाइस के ऊपर जो ट्रांसफर करना होगा। सिंपली यहाँ पर जो यूएसबी केबल के साथ जो है पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देख पाओगे जो पिक्सल प्लस यूआई का जो फाइल है यहाँ पर हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं पीसी से रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। एंड फाइल जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो ट्रांसफर हो गया है। एंड यहाँ पर फाइल ट्रांसफर होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो इंस्टॉल में जाना होगा। जिस भी फोल्डर में आपने इस रोम को डाउनलोड किया है और जिस भी फोल्डर में आपने इस रोम को ट्रांसफर किया है उस फोल्डर में जाके रोम को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। सिंपली यहाँ पर जो सबसे पहले आपको इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो रोम है उसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। एंड यहाँ पर पिक्सल प्लस यूआई का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रोम को डाउनलोड कर सकते हो। तो यार ये जो रोम है इस रोम को इंस्टॉल होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। विदिन 5 मिनट ये जो हमें रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हो रोम जो है पर इंस्टॉल हो गया है। इस रोम के साथ जो है पर बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है। आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा, अलग से जो है प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो है फॉर्मेट डेटा करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो फॉर्मेट डेटा का जो स्टेप इसे आप स्किप भी कर सकते हो। फॉर्मेट डेटा करने से क्या होगा, ये जो हमें 100% हमारे डिवाइस के ऊपर बूट हो जाएगा बट इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएगा अगर आप फॉर्मेट डेटा करोगे तो। यहाँ पर हम सिंपली फॉर्मेट डेटा में जाके ये स्टेप करते हैं। एंड अगर आप चाहो तो फॉर्मेट डेटा का जो स्टेप है इससे अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। देख सकते हो फॉर्मेट डेटा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फॉर्मेट डेटा होने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर पहला बूट में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो फास्ट बूट होने वाले हैं फास्ट बूट में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो रोम को जो है सेटअप करना होगा। तो जल्दी से यहाँ पर जो रोम को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपली स्किप करके और नेक्स्ट करके जो आपको यहाँ पर रोम को सेटअप करना होगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। कुछ इस तरह से आप जो है पिक्सल प्लस यूआई को इंस्टॉल कर पाओगे। एंड इस मेथड के साथ आप जो है कोई भी कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। एंड पिक्सल प्लस यूआई का जो फुल रिव्यू है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। आप सिंपली यहाँ पर जो है रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट ऐसे भी जो कैमरा एप्लीकेशन देने को मिलते हैं पर कैलकुलेटर का ऑप्शन है। यहाँ पर लाइनेज इसका जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है। लाइनेज इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस, मेन लेंस का जो ऑप्शन काम करते हैं पर फोटो वीडियो प्लस
क्यूआर मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है ग्रिड टाइप 4:3 का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर इस तरह से अब जो है ए सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है पर मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन है, पर सेव लोकेशन का ऑप्शन है, ओआईएस एंड ईएस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो पर पिक्सल प्लस यूआई के साथ जो है बाय डिफॉल्ट लाइन है जो इसका जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो है यूआई देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो पावर मेनू के ऊपर जो है ब्लर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस एडवांस रिबूट का ऑप्शन है। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है देने को मिल जाएगा पिक्सल प्लस यूआई के साथ, काफी बढ़िया बात है। पर जो वॉल्यूम पैनल यूआई के साथ भी अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से इस रॉम के साथ जो है लॉक स्क्रीन यूआई देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, कैमरा का जो शॉर्टकट है ऐड किया गया है, प्लस पर डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पिक्सल प्लस यूआई के साथ जो है डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन काम करेगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। कुछ इस तरह से डायलर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्ले स्टोर अवेलेबल है इस रॉम के साथ, आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। अगर बात करें यहाँ पर जो इस रॉम के साथ जो सेटिंग्स मेनू के ऊपर कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा। तो पर जो सेटिंग्स मेनू का जो यूआई है काफी बढ़िया है, कुछ इस तरह से ओवरऑल जो है यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा सेटिंग्स मेनू के साथ। एंड यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। ये जो बिल्ड है उसको ऑफिशियल बिल्ड है रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 13 के साथ, प्लस लेटेस्ट जो है पर फरवरी का जो सिक्योरिटी पैच बिल्ड है ऐड किया गया है, प्लस पर जो है ये जो बिल्ड है उसको इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। एंड यहाँ पर आपको जो है बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेपरेट जो है पास हो जाएगा, प्लस कुछ नया वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है ऐड किया गया है। पर मैक्सिमम ब्राइटनेस लो ब्राइटनेस पर कोई भी इशू नहीं है, प्लस पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। पर जो है सेटिंग्स पैनल के साथ जो है इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा। एंड जो ब्लूटूथ आइकन है उसमें रीअरेंज किया गया है सरसवर के साथ। एंड यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ जो है आप सिंपली यहाँ पर जो गानों को स्किप कर सकते हो। एंड यहाँ पर पावर मेनू के ऊपर जो ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है। कॉम्पैक्ट लेआउट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है, प्लस जो स्क्रॉलिंग है उसे भी इम्प्रूव किया गया है। एंड यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद जो है ब्लूटूथ डिवाइस का जो है बैटरी परसेंटेज भी देने को मिल जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर क्विक टैप का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट शो नोटिफिकेशन टॉगल टॉर्चलाइट का ऑप्शन है, रिसेंट एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो। पर क्विक टैप का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, गेस्चर्स नेविगेशन, 2-बटन नेविगेशन, 3-बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। क्विक टॉर्च का ऑप्शन है, आप सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। आप डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, यहाँ पर पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है, पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है सिंपली वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो गानों को स्किप कर सकते हो। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन, डबल टैप टू स्लिप ऑन सरसवर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर जो है लॉक स्क्रीन से पावर मेनू को डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से यहाँ पर जो है राइट शॉर्टकट प्लस लेफ्ट शॉर्टकट को यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल है ऐड किया गया है, पर जो है इस रॉम के साथ जो है अलग अलग वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर थीमिंग के ऊपर जो है कस्टम थीम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर जो ऑक्सीजन ऑयस हो जाए एमआईओ हो जाए उसका जो वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से सभी फीचर्स अवेलेबल है इस रॉम के साथ। एंड यहाँ पर अलग अलग जो है वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल है ऐड किया गया है, प्लस पर जो कस्टम थीम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है थीम सेटिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के ऊपर ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिसकनेक्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो है वाइब्रेंट टच का ऑप्शन है, ब्राइटनेस स्लाइडर हैप्टिक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, फ्लूट यूआई का जो क्विक सेटिंग्स टाइल है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो सिंपली। यहाँ पर जो है सिस्टम यूआई को रिबूट करके आप जो फ्लूट यूआई का जो स्टाइल है क्विक सेटिंग्स पैनल उसे आप जो है एनेबल कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है वर्टिकल लेआउट का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है, प्लस पोर्ट्रेट मोड एंड लैंडस्केप के साथ जो है पर कॉलम को कस्टमाइज करने का ऑप्शन, प्लस डेटा यूज का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर सरसवर के साथ जो है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, पर 4G आइकन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस तरह से इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो है बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर थर्मल
प्रोफाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बैटरी बैकअप के लिए आप सिंपली Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेकआउट करके देखो। यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस लो ब्राइटनेस ऊपर कोई भी इशू नहीं है। लॉक स्क्रीन के साथ जो टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। पर डार्क मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो सिम वन एंड सिम टू के लिए अलग अलग रिंगटोन को सेट कर सकते हो। एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर एमआई का जो साउंड एनहांसर है ऐड किया गया है। पावर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर अलग अलग हेडफोन टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग प्रीसेट को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर फेस अनलॉक प्लस फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। हमने यहाँ पर जो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है इसे हमने यहाँ पर ट्राई करके देखा है। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जो अलग अलग कस्टमर का जो वीडियो उसे भी आप चेकआउट करके देखो।